जी, क्या है पूरा मामला? मामला यही है जो चौधरी साहब ने गठबंधन किया है एनडीए पार्टी से, उसी को लेकर है। क्योंकि बीजेपी पार्टी वालों से और हमारे हमारे खुद का अपने मैं अपने निजी बता रही हूँ, हमारे विचार मेल नहीं खाते, तो इसी इसमें है कुछ। हमारे यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, वैसे तो चेयरमैन हमारी बबीता तोमर जी हैं, उनके पति हैं, उनकी हरकतों से तंग आकर मैं इस पार्टी से, तो वही है पार्टी तो हम कहीं छोड़ ही नहीं सकते, पार्टी तो हमारे खून में रली हुई है, लेकिन मैं इस पद से इस्तीफा दे रही हूँ। नहीं, आप जो है विरोध भी कर रहे हो और पार्टी भी नहीं छोड़ रहे? देखिए, विरोध मेरा बनता है, विरोध मेरा निजी है, लेकिन पार्टी मैं इसलिए नहीं छोड़ूंगी क्योंकि पार्टी तो हमारी 3 पीढ़ियों से चली हुई है, हमारे बड़े बुजुर्ग इसी में ही थे, तो मैं तो अपने बड़े बुजुर्ग के कर्म चरणों पर ही चली हुई हूँ, मैं उसी पर ही चलूंगी। एक बार पहले भी आपने जो है इस्तीफा देने की बात की थी, फिर जो है कुछ समझौता हो गया था जी, क्या आपकी बार भी ऐसा ही होगा? नहीं नहीं, ऐसा आपकी बार कुछ नहीं होगा। मुझे जहाँ तक मेरा लग रहा है, उस टाइम पर जब मैंने इस्तीफा दिया था, उस टाइम महिला का सम्मान था, आज भी ही महिला का सम्मान है, और उस टाइम भी मैंने ये कहा था अगर मेरे साथ जो महिलाएं खड़ी हैं उनका सम्मान नहीं है तो मैं पार्टी से इस्तीफा देने को भी तैयार थी। आज की कोई मीटिंग थी, क्या मामला हुआ उसका भी? मीटिंग गठबंधन की थी, उसमें सभी पदाधिकारी सब बोल रहे थे, उसमें मैंने भी बोला, अपना विचार रखे, मैंने उनसे कहा कि मैं अभी 10 साल का मेरा कार्यकाल है वो राष्ट्रीय लोकदल का ही है, और मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपके साथ खड़े होकर आप सबके लिए भी जय बोलूंगी। इसी बात को लेकर राय का पहाड़ बनाया गया, इससे अलावा और कोई बात नहीं हुई। नहीं, जय की किसकी बात थी, बीजेपी की जय थी? जी जी, देखिए ऑफिशियली यही बात है कि गठबंधन हुआ है तो एनडीए पार्टी से ही तो हुआ है, तो बात तो वही है ना, क्योंकि वहां पर जितने पदाधिकारी जब भाषण दे रहे थे और कुछ ने एनडीए पार्टी की, बीजेपी की, मोदी जी की जय नहीं बोली, तो वो सब टोक रहे थे, और यही इसीलिए मैंने सबसे पहले ये कहा था कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ, आप इसे अन्य न ले जाएं। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं जय भी नहीं बोलूँगी, मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, उसके बाद जैसे भी होगा मैं आपके साथ मिलने के और साथ चलने को तैयार हूँ। क्या गठबंधन का विरोध करूँ? नहीं, मैं विरोध कुछ नहीं करूँगी, अगर मैं विरोध करूँगी तो चौधरी साहब का विरोध होगा, और चौधरी साहब का विरोध मैं कभी नहीं करना चाहूँगी।